कोशिश करो, वीडियो पॉज करो और बच्चों खुद सॉल्व करो और देखो ये आपसे होता है। लेट्स ट्राई योर सेल्फ, खुद इसका ट्राई करो, देखो होता है। ये कहता है एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हमें करंट की वैल्यू निकालना है, भी के टर्म में निकालना है। तो करंट की वैल्यू अगर भी के टर्म में निकालूं बच्चों तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? तो चलो, करंट अगर इस पूरे सर्किट का अगर देखोगे तो ग्रुप ऑफ फाइव रेजिस्टेंस है, दिस इज द ग्रुप ऑफ फाइव रेजिस्टेंस। और अगर ग्रुप ऑफ फाइव रेजिस्टेंस है जैसे तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस, दिस सर्किट कैन बी रीड्रा इन इजी फॉर्म में, ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और यहाँ प्लस माइनस भी वोल्ट की बैटरी लग गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और ये आ जाएगा 4 ओम और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें करंट आई की कैलकुलेशन करनी है, हाउ मच दिस आई, ये आई कितनी है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा प्यारे बच्चों, तो ये 4 में से 2 से डिवाइड कर दूँ और 6 में से 3 से डिवाइड कर दूँ। पहले मैं चेक करूँगा ऐसे क्वेश्चन में क्या ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है तो हमारे मजे ही मजे हैं, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, अनबैलेंस ब्रिज हो तो अनबैलेंस ब्रिज को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से केवीएल केसीएल लगता है। तो सबसे पहले अगर चेक कर लेते हैं क्या ब्रिज बैलेंस है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 पी अपान क्यू आर अपान एस, बैलेंस ब्रिज आप पढ़े होंगे। तो अगर ये रेशियो बराबर है तो ये 2 इज इक्वल टू 2, वाह बहुत अच्छी बात, ब्रिज बैलेंस है। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट और ये जो पॉइंट है जंक्शन सेकेंड, इनका पोटेंशियल आपस में इक्वल होता है, V1 बराबर होगा V2 और इसमें करंट आ जाएगी 0, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी, मतलब ये वाला जो है वो यूजलेस है, दिस इज यूजलेस बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग। तो अब यहाँ से अगर मुझे करंट चाहिए इस सर्किट का, तो मैं इस सर्किट का करंट बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो अब इस सर्किट को मैं यहाँ पे रीड्रा कर सकता हूँ, 4 और 2 6 पैरेलल में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 4 और 2 6 ओम और नीचे यहाँ लग गए, नीचे लग गए यहाँ 6 और 2 9 ओम लग गए और यहाँ से प्लस माइनस भी वोल्ट की बैटरी लग गई, प्लस माइनस भी वोल्ट की बैटरी लगी और यहाँ से करंट आई आ गई। तो करंट नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नेट इस सर्किट का कितना हो जाएगा बोलो, 6 का और 9 का पैरेलल में है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 6 प्लस 9, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 और यह आ जाएगा 15, तो 3 से काट दो, 3 5 15 3 3 का 9, तो ये आ जाएगा 18/5, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर नेट रेजिस्टेंस सर्किट का पता चल गया तो नेट यहाँ से करंट में निकाल सकता हूँ, करंट आई इज इक्वल टू होता है भी अपन नेट रेजिस्टेंस, तो भी यहाँ इसका भी के टर्म में ही चाहिए भी, और रेजिस्टेंस आर यहाँ से 18 और ये ऊपर चला गया 5, दैट इज आई, दैट इज 5 भी अपन 18 इज द फाइनल सोल्यूशन, डी ऑप्शन सही है इसका। चलो प्यारे